नमस्कार दोस्तों, मैं योग पटेल एक बार फिर से आपका योग इजी गार्डनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मैंने जो 6 से 7 मंथ के सीडलिंग्स पर ग्राफ्टिंग किया था और उसका रिज़ल्ट मैं आज आपको दिखाऊंगा और साथ ही आपको दिखाऊंगा कि ग्राफ्टिंग करने के बेनिफिट्स क्या है। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। थैंक्स। तो दोस्तों, चलिए आप देखते हैं ग्राफ्टिंग के बेनिफिट्स। दोस्तों, ये मेरा एडिनियम का प्लांट है, ये कम से कम 3 साल पुराना है और मैंने ये प्लांट 3 साल पहले एक बड़े से यानी मीडियम साइज़ के पॉट में ग्रो किया था और आज 3 साल के बाद उस पर ढेर सारे फ्लावरिंग्स भी आए हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था कि क्यों ना ऐसे ही प्लांट को, ऐसे ही फ्लावर्स को पूरे गार्डन में ग्रो किया जाए। तो मैंने ये ग्राफ्टिंग टेक्निक को इसके लिए चुना है। मैंने ऐसे ही कटिंग्स, इस तरह के कटिंग्स लिए थे, ढेर सारे कटिंग लिए थे और उसको ऐसे 6 से 7 मंथ ओल्ड, यानी कम से कम 6 से 7 मंथ ओल्ड था मेरा एडिनियम के प्लांट्स, उस पर मैंने यह ग्राफ्टिंग टेक्निक से इस तरह से लगा दिया था और लकीली उसमें से काफ़ी सारे जो ग्राफ्टिंग थे वो सक्सेस हो गए थे और आप देख सकते हैं उस पर किस इस तरह के फ्लावर्स भी आ गए अब। तो दोस्तों, ये विद इन 5 मंथ में तो ये फ्लावर्स उस पर आना शुरू भी हो गए हैं और ये पॉट भी मीडियम साइज, स्मॉल साइज़ का पॉट है और मैंने उसमें कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र भी नहीं मिलाया था, फिर भी ग्राफ्टिंग टेक्निक से आप देख सकते हैं ये मदर प्लांट जैसे ही फ्लावर्स इस प्लांट पर आए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह मैंने एक वाइट प्लांट यानी कि वाइट एडिनियम प्लांट को, मल्टी पेटल प्लांट को भी ग्राफ्ट किया था। तो ये भी आप देख सकते हैं विद इन ईयर इस पर भी ये फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने इस प्लांट पर ये फ्लैट ग्राफ्टिंग टेक्निक से ग्राफ्ट किया था। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप भी इसी तरह से कोई भी अच्छा सा मदर प्लांट में से कटिंग सिलेक्ट करके आप इसी तरह ढेर सारे एडिनियम यानी कि सीडलिंग्स पर ग्राफ्टिंग करके आप अपने गार्डन में ढेर सारे फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।